रीवा सैराजेम धेखा सेंटर में फूड फेस्टिवल मनाया गया व नव वर्ष सेलिब्रेशन किया गया। सैराजेम परिवार के सभी सदस्य अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाए थे। सभी सदस्यों ने उन पकवानों का आनंद लिया। जलेबी, कचौरी, उपमा, पूरी सब्जी, कड़ी चावल, चाउमीन, सैंडविच, चिली पनीर, ढोकला, रोटी दाल, ममोज, रसमलाई, रसगुल्ला, चाट, समोसा, आलू बंडा, छोला भटूरा आदि सैकड़ों प्रकार के व्यंजन उपलब्ध थे। उसके बाद संगीत का कार्यक्रम हुआ। साथ ही सेंटर की संचालिका कंचन शुक्ला जी ने अच्छे कार्य करने वाले सदस्यों को गिफ्ट भी दिया। इलाज की नज़र से देखें तो सैराजेम थेरेपी के माध्यम से लकवा, अर्थराइटिस और हड्डियों के दर्द का उपचार किया जाता है। जो लोग नर्व सिस्टम खराब होने की वजह से लकवा रोग के शिकार हो जाते हैं उनका इलाज सैराजेम थेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द में भी सैराजेम थेरेपी का उपयोग किया जाता है। शरीर की हड्डियों और नव में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए भी सैराजेम थेरेपी लाभदायक होती है। अगर आपके कमर और जोड़ों में अकड़न की परेशानी होती है तो आप सैराजेम थेरेपी की मदद ले सकते हैं। हर साल हमेशा की तरह अपना सैराजेम के प्रति जो कर्तव्य है वह इस साल भी निभा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसे कि एक राजा के राज्य में हर तरह के रत्न होते हैं तो नौ रत्नों में हमारे यश भैया है। एक बार नौ रत्नों के लिए एक रत्न के लिए तालियां हुई, बाकी तो सब भारे पड़े हैं। सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई, अच्छी खूबियां, सभी सैराजेम को प्यार करते हैं तो ये सबसे बड़ा गुण है, सही। और हमारी भावनाओं को, हमारे कार्य को जो लोग समझते हैं यह भी एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमें इस बात पे गर्व है, लेकिन घमंड नहीं, सही। गर्व है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, लेकिन उसका घमंड नहीं कि हम उसका नाजायज फायदा उठाए। अच्छा है कि ऐसे हमारे बीच नेहा जी ने पधारी आज पहली बार, तो हमेशा आती रहेगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। जन्म देती है जो माजी से जब कहे अपनी संतानों में प्राणी किसके रहे। उनको भी ये चीज बताना कि हम आपके हैं। जब हम किसी का एक निवारा लेते हैं वहां से साबित होता है कि वो हमारे कितने करीब हैं, सही है कि नहीं। कंपनी हम लोगों को मना करती है कि किसी का कुछ नहीं खाना, कंपनी मना करती है कि किसी का कुछ ना खाना और ना ही लेना है, लेकिन फिर वहां का रास्ता दिल का नहीं रहेगा। प्लीज सभी बैठे भी अभी जाएंगे कोई नहीं, इसलिए कहीं घूम पिकनिक ले जा रही हूँ तो कहीं ये बांट रही हूँ तो कहीं वो बांट रही तो कहीं ये कर, मैं जिस तरह से कर रही हूँ वो परमात्मा और मेरी आत्मा और जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो ही जानते हैं। जाने को तुम समाए और मैं भी वो का ना रहूं और साथ में घूमता जाए। मैं उतना ही कमा रही हूँ जितना मेरे सेंटर को चलाने के लिए जरूरी है। कि आज न्यू ईयर के शुभ अवसर पर एक माता जी को स्लीपिंग मैट और एक बेल्ट मैंने अपनी संस्था की तरफ से उन्हें सप्रेम भेंट किया। अपने बोला साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ लोग भूखा जाए, बस इतना ही कमाता। Oh,
मुझ पे छोड़ा है, तुमसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तो झूरी लगती है, कभी तो झूले लगती है, कभी तो चांद लगती है, कभी तो गोलू लगती है। कभी तो झूली लगती है, कभी तो झूले लगती है, कभी तो चांद लगती है, कभी तो गोलू लगती है। बहुत अच्छी ईश्वर की दया से बहुत मेहनती है और माँ का संघर्ष उन्होंने देखा है, तो सारी दुनिया से कहते ना कि दुनिया को उदाहरण मत दीजिए इसका उसका। सराजम में आए हैं नया जीवन पाने, यहाँ आकर स्वस्थ सौ साल बिताए। खुशियों वाला सराजम हम सब मिलकर बनाए, सराजम का बेस्ट सेंटर सराजम में आए हैं नया जीवन पाने। का सेंटर हमारा है हमारा, उमंग और खुशियों से बेस्ट सेंटर हम बनाए। यहाँ आकर स्वस्थ सौ साल बिताए, यहाँ के हम है मेंबर, हम सब दोस्त बनाए सराजम के अंदर। अरे बेस्ट सेंटर बनाए मेरे यार, तभी दोस्त और पड़ोसी यहाँ सेहत पाए, यहाँ आकर स्वस्थ सौ साल बिताए। सराजम में आए हैं नया जीवन पाने, यहाँ आकर स्वस्थ सौ साल बिताए। खुशियों वाला सराजम हम सब मिलकर बनाए, सराजम का बेस्ट सेंटर सराजम में आए हैं नया जीवन पाने। साथ में रहे, आगे भी उम्मीद करती हूँ जो मैंने बांटा है वो मुझे मिले। अरे मिलेगा।